नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल जापनीज किचन एंड क्राफ्ट पे। आज हम बनाना सीखेंगे वैलेंटाइन्स डे स्पेशल रेड वेलवेट केक। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। एक कप मैदा ले लीजिए। और उसको अच्छे से छान लीजिए। अब उसमें एक कप के करीबन पीसी हुई चीनी डाल लीजिए। और इसको भी अच्छे से छान लीजिए। एक टीस्पून के करीबन बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून के करीबन बेकिंग सोडा डाल दीजिए। और अभी हम थोड़ा सा ही रेड कलर डाल रहे हैं, आधा चम्मच जितना। अगर आपको बाद में लगेगा रेड कलर तो आप डाल सकते हैं। और अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक कप दूध लेकर थोड़ा थोड़ा डालना है दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करें। हमने एक कप जितना दूध लिया है, अगर कम लगेगा तो हम और एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। थोड़ा सा रेड कलर और डाल देते हैं हम। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप उसके हिसाब से कलर रेड आने तक के उसमें कलर ऐड करके मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी बैटर की हमारी। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी ना रखे बैटर। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। देखिए हमारा बैटर इस तरह से है। तो अभी हमने एक बर्तन लिया है और उसके अंदर ये रिंग रखी है और ये हमारा केक मोल्ड रखा है हार्ट शेप वाला। ये देखिए हम इस बर्तन में ये नमक डाल देंगे। ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर बेकिंग के लिए। तो आप ये नमक नॉर्मल जो आपका नमक होता है वो डाल दीजिए एक ऐसे बर्तन में जिसमें आपका केक मोल्ड अच्छे से फिट हो जाए। और इसके अंदर ये रिंग रख लीजिए। ऐसी रिंग आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ध्यान रखिए वो रिंग के एंड में रबर ना हो, नहीं तो वो गैस पे रखने पर ये हो जाएगा बर्न, इसलिए बिना इसका रखे। और उसके ऊपर ये ऐसी प्लेट्स जैसी कोई रहो आप पास नॉर्मल वैसी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा केक टिन जो है हार्ट शेप वाला, उसमें हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, या फिर बटर जैसे हम लगा रहे हैं, या फिर ऑयल ग्रीस कर लीजिए। हर कोने में, ताकि केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। ये देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है बटर। अब इसके अंदर हम मैदा कोट कर लेंगे पूरे इस पे केक टिन में।
ये हमारा तैयार है केक टिन। अभी हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे हमारा। और इसको बेक होने के लिए रख देंगे जब तक ये बीच से अच्छे से पक नहीं जाता और साफ़ चाकू नहीं निकल जाता। चेक करने के लिए आप इसमें टूथपिक या चाकू डाल के चेक कर सकते हैं। अभी हम फोंडेंट बनाएंगे। तो एक पैन में 5 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दीजिए। तीन बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक चीनी पानी में घुल ना जाए। और इसको थोड़ी देर तक बबल्स आने तक रखेंगे। और इसमें हम एक बड़ा टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चाशनी एक तार जितनी होनी चाहिए। आप हाथ से ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि उसमें एक तार बन रहा है या नहीं। और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद वैनिला एसेंस डाल दीजिए फ्लेवर के लिए और इसको मिक्स कर लीजिए। और 2 बड़े चम्मच के करीबन बटर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये बटर हमारी चाशनी में मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी शुगर सिरप जैसी चाशनी तैयार है। ये ग्लूकोज सिरप हमारा तैयार है। अब एक परात में हम 1 कप जितना पाउडर शुगर लेंगे और उसमें ये हमारा जो तैयार किया हुआ ग्लूकोज है ग्लूकोज सिरप वो डाल देंगे और इसकी सहायता से हम ये आटे की जैसा गूंध लेंगे। इसमें आपको पानी या कोई दूसरा लिक्विड नहीं डालना है। हमारा फोंडेंट तैयार है। अभी हमने हमारे केक को आधा काट लिया है और इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगा देंगे। और इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम हमारा दूसरा केक डाल देंगे आधा कटा हुआ। और ये देखिए हमने इसके ऊपर फोंडेंट डाल के साइड से चॉकलेट ड्रिप्स कर दिए हैं। और ये हमने फोंडेंट की सहायता से 2 छोटे छोटे से डॉल्स बनाए हैं। तो ये हमारा वैलेंटाइंस केक तैयार है। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी और मजेदार क्राफ्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल के साथ एंजॉय करें। बाय।